yesterday we did practical for ASA privilege level and we can say ASA authorization. ठीक है, कल एक टॉपिक रह गया था रिलेटेड टू ASA authorization. ठीक है, तो उस टॉपिक को समझने के लिए जो कल हमने प्रैक्टिकल किया था, लेट अस रिपीट दैट प्रैक्टिकल. कॉन्फिगर ASA 1 टू ऑथेंटिकेट एनी टेलनेट सेशन यूजिंग लोकल डेटाबेस. ओके, यूजर नेम यू हैव टू क्रिएट प्रवीण. ये किया था हमने कल प्रैक्टिकल. बाइंड यूजर विथ प्रिविलेज लेवल 5. जब भी यूजर प्रवीण लॉगिन करे उसको क्या लेवल मिले? लेवल 5. ठीक है, इस टास्क के लिए हमें कौन कौन सी कमांड चलानी पड़ेगी फायरवॉल पे? सबसे पहले तो यूजर नेम बना दो, फाइव. उसके बाद ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन टेलनेट कंसोल लोकल. और कौन सी कमांड चलेगी? और कोई कमांड अकॉर्डिंग टू द टास्क? टास्क के अकॉर्डिंग हमें और कोई कमांड चलानी है? टास्क में अभी ये नहीं बोला कि यूजर शुड बी एबल टू रन ओनली प्रिविलेज लेवल 5 कमांड. टास्क के अकॉर्डिंग अगर आप इतना कॉन्फ़िगर करोगे तो चलेगा. करते हैं ये कॉन्फ़िगर. डिवाइसेस ऑन है पहले से ही. यूजर नेम्स प्रवीण, पासवर्ड सिस्को प्रिविलेज 5, ट्रिपल ए लोकल ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन लोकल. नाउ लेट्स वेरीफाई. वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? R1 से टेलनेट किसको? ASA को. वी हैव टू इनेबल टेलनेट सर्विस. वी हैव टू टेल विच आईपी कैन टेलनेट. इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप हमेशा 00 परमिट करें. करते हैं आप टेलनेट एक बार R1 से. यूजर को कौन सा लेवल मिला? प्रिविलेज लेवल 1. शो करंट प्रिव. यूजर के साथ आपने कौन सा लेवल बाइंड किया था? लेवल 5. लेवल 5 में यूजर को जानने के लिए क्या टाइप करना पड़ेगा? इनेबल. और फिर से यूजर को क्या करना पड़ेगा? यूजर का सेम पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा. टेलनेट प्रवीण सिस्को इनेबल सिस्को. जब भी एक यूजर को लॉगिन करना है डिवाइस पे तो यूजर को
दो बार सेम पासवर्ड क्या करना पड़ रहा है टाइप, क्या कोई अलग अलग पासवर्ड है? इट इज द सेम पासवर्ड। नाउ क्या इससे कोई बेनिफिट हो रहा है दो बार पासवर्ड टाइप करने से? क्या आप कोई सिक्योरिटी ऐड कर रहे हो? नहीं, क्योंकि पासवर्ड क्या है सेम। अगर पासवर्ड भाई, अगर तुम यहां पे इनेबल का कोई अलग पासवर्ड डालते तो मे बी आप सिक्योरिटी ऐड कर रहे हो, बट राइट नाउ बाय टाइपिंग टू टाइम्स यूजर नेम पासवर्ड यू आर नॉट एडिंग एनी सिक्योरिटी। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये कि जब भी यूजर नेम प्रवीण ने लॉगिन किया डिवाइस पे, आपने यूजर के साथ बाइंड कर रखा है लेवल 5। व्हाई दिस यूजर इज नॉट गेटिंग डायरेक्टली टू दिस मोड? इनेबल टाइप ही क्यों करना पड़ रहा है? इनेबल में यूजर क्या टाइप कर रहा है? यही वाला पासवर्ड। सो इज देयर एनी वे बाय विच वी कैन बाईपास दिस थिंग? ऐसा कुछ हो जाए ASA पे जिससे कि जो आपने प्रिविलेज लेवल ASA के यूजर के साथ बाइंड किया डायरेक्टली यूजर को, वो लेवल मिल जाए। रियल टाइम में आप कभी भी इस तरीके से लॉगिन नहीं करते। इन रियल टाइम यू आर नॉट गोइंग टू टाइप यूजर नेम सिस्को एंड देन यू आर नॉट गोइंग टू टाइप इनेबल। यू डायरेक्टली लॉग इन टू द प्रिविलेज एग्जिट मोड। ठीक है, सो हाउ कैन वी बाईपास दैट इनेबल पासवर्ड? उससे पहले डिस्कस करते हैं ये। बाय डिफॉल्ट ASA does not assign user to their privilege level. जब भी कोई यूजर लॉग इन करता है, जो लेवल आपने बाइंड किया यूजर के साथ, डायरेक्टली वो लेवल यूजर को नहीं मिलता। क्या यार, वो बोला सही था मैंने, does not assign user to their प्रिविलेज लेवल। अब इफ यू वांट ASA टू डायरेक्टली असाइन प्रिविलेज लेवल टू द यूजर, आप कौन सी कमांड यूज कर सकते हो? AAA ऑथराइजेशन? नो। See, with the command we are telling, we are configuring ASA to check whether that user is allowed to run that particular command or not. Command से हम बस ये verify करवा रहे कि user कौन कौन सी command चला सके। If user want to gain privilege, they have to type enable in user exec mode. अगर आप चाहते हो ASA डायरेक्टली क्या कर दे प्रिविलेज लेवल को असाइन, किसके साथ? यूजर के साथ। तो कमांड क्या यूज करते हो आप? AAA authorization exec local. This exec keyword, no matter whether it is a router or a firewall, एग्जैक्ट से आप क्या बोल रहे हो ASA को, ये बता रहे हो या फिर किसी भी डिवाइस को कि अगर यूजर के साथ आपने कोई प्रिविलेज लेवल बाइंड किया है तो डायरेक्टली क्या कर दो उस यूजर को प्रिविलेज लेवल में एक्सेस यूजिंग दैट प्रिविलेज लेवल। और लोकल का मतलब क्या है? टू असाइन प्रिविलेज लेवल डिवाइस विल यूज लोकल डेटाबेस। लोकल डेटाबेस में अगर आपने यूजर नेम के साथ क्या बाइंड किया है प्रिविलेज, तो ASA क्या करेगा, वो जो प्रिविलेज आपने बाइंड किया डायरेक्टली यूजर को, उस लेवल में क्या कर देगा? लॉगिन। इतना क्लियर? दिस कमांड इज सेम ऑन राउटर एंड फायरवॉल। जो कॉन्सेप्ट आपका सेम है,
On router also, if you ever try to run the command, C command is same. On firewall also it is same. Triple A authorization exit. क्या मतलब है इसका? जब भी कोई एडमिन एक्सेस करेगा डिवाइस को यूजिंग SSH, टेलनेट या फिर इनेबल, तो ASA क्या करेगा, उसको डायरेक्टली ऑथराइज, ट्रिपल ए ऑथराइजेशन एग्जेक. कौन सा डेटाबेस यूज करके? लोकल. ठीक है, इस कमांड के बाद जब भी कोई यूजर लॉगिन करेगा ASA पे, ASA हमेशा उस यूजर का क्या चेक करेगा? प्रिविलेज लेवल. अगर यूजर के साथ आपने प्रिविलेज लेवल बाइंड किया तो डायरेक्टली यूजर को वही लेवल असाइन हो जाएगा. वेरीफाई करते हैं इसको. एग्जिट सॉरी टेलनेट 1.10. ASA को टेलनेट करो आप. यूजर नेम प्रवीण, पासवर्ड सिस्को. कौन सा लेवल मिला अभी भी? लेवल 1. यूजर एक्सेक मोड है तो हमेशा कौन सा लेवल होगा? लेवल 1. अभी भी डायरेक्टली नहीं मिला उसको लेवल. रीजन, आपको इस कमांड के साथ क्या कीवर्ड यूज करना है? ऑटो इनेबल. देखो, ऑटो इनेबल का मतलब क्या है? Allow authenticated user with their sufficient privilege to automatically enter the privilege exec mode. इतना क्लियर? You have to use this keyword. अगर आपको क्या टाइप नहीं करवाना यूजर से? इनेबल. ठीक है, ट्रिपल ए ऑथराइजेशन एग्जेक लोकल ऑटो इनेबल. अब कोई भी यूजर अगर लॉग इन करेगा देखो, यूजर डायरेक्टली किस मोड में गया? प्रिविलेज एग्जेक मोड में. शो करंट लेवल क्या मिला? लेवल 5. एक और यूजर नेम बना लेते हैं. यूजर नेम जॉन, पासवर्ड सिस्को, प्रिविलेज 10. यूजर नेम जॉन से लॉगिन करो आप. क्या लेवल मिला? लेवल 10. यूजर को इनेबल वगैरह टाइप करने की कोई जरूरत नहीं है. यूजर कैन डायरेक्टली लॉग इन टू दी प्रिविलेज लेवल, जो भी लेवल आपने यूजर के साथ क्या किया है? बाइंड. इतना क्लियर? अब जब भी आप ASA को कॉन्फ़िगर करते हो, किस लिए? ऑथराइजेशन के लिए. तो टोटल दो चीजें होती हैं जो कि आप ऑथराइजेशन के लिए यूज करते हो. व्हाट प्रिविलेज लेवल शुड बी असाइंड टू द यूजर, या फिर विच कमांड्स और व्हाट कमांड्स यूजर कैन रन. व्हेनेवर यू आर कॉन्फ़िगरिंग ट्रिपल ए for telnet, SSH, console, access, इन access के लिए कभी भी आप अगर ट्रिपल ए कन्फिगर करते हो तो हमेशा आपके पास दो तरीके से ऑथराइजेशन कर सकते हो. पहला, तो यूजर को कौन सा प्रिविलेज लेवल असाइन हो. दूसरा, यूजर लॉग इन करने के बाद डिवाइस पे कौन कौन सी कमांड चला पाए. क्लियर? नाउ what command is used for this purpose? अगर आपको ये इनेबल करना है डिवाइस पे तो कौन सी कमांड चलाते हैं? ट्रिपल ए ऑथराइजेशन एग्जेक. ठीक है,
इसी कमांड से ASA या फिर कोई भी राउटर वेरीफाई करेगा कि यूजर के साथ कोई लेवल बाइंड तो नहीं है। इतना क्लियर? अगर आपने डिवाइस पे ये कमांड नहीं चलाई तो यूजर हमेशा डायरेक्टली किस लेवल पे फॉल करेगा? यूजर एग्जेक मोड पे ऑलवेज। अगर आपने डिवाइस पे कौन सी कमांड नहीं चलाई, ट्रिपल ए ऑथराइजेशन एग्जेक। क्लियर पीयूष? इसके लिए कौन सी कमांड चलाते हैं हम? विच कमांड यूजर कैन रन? ट्रिपल ए ऑथराइजेशन कमांड। जब भी कोई यूजर टेलनेट करेगा या फिर SSH करेगा, अगर आपने ऑथराइजेशन इनेबल करना है तो दो ही पार्ट आएंगे आपके पास, यूजर को क्या प्रिविलेज लेवल मिले और यूजर लॉगिन करने के बाद कौन कौन सी कमांड रन कर सके, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इतना क्लियर? ऑथेंटिकेशन के केस में तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है, यूजर नेम पासवर्ड। क्लियर? ठीक है, यार रहेगा याद ये, क्योंकि अगले टास्क में ये यूज होगा, आप ही बताना। डन? ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिपल ए। ठीक है, ट्रिपल ए वैसे आप पढ़ते ही आ रहे हैं, मतलब कंफिगर करते आ रहे हैं, लेकिन आप मतलब समझ लेते हैं ट्रिपल ए का क्या मतलब है। क्या मतलब है ट्रिपल ए का? अकाउंटिंग ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन, है ना? ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। ऑथेंटिकेशन से क्या समझते हो आप? Who is the user? या फिर आप बोल सकते हो और प्रूव योर आइडेंटिटी, कौन हो भाई तुम? यही मतलब है ऑथेंटिकेट का, यूजर नेम पासवर्ड से, या फिर अलग अलग तरीके होते हैं। ऑथोराइजेशन का मतलब क्या होता है? वंस यूजर इज authenticated, what things user can perform or access. और आखिरी है accounting. Accounting का मतलब क्या? What user did? ठीक है, अब ट्रिपल ए का कोई एग्जाम्पल बताओ। तिवारी जी आपने कोई एग्जाम्पल बताया था? ATM तो मैंने बताया था भाई। रुको, कॉलेज टाइम में सबसे पहले ऑथेंटिकेशन के लिए क्या क्या एग्जांपल ले रहे हो आप? यूजर नेम पासवर्ड। अच्छा, मतलब वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद? चलो पहले एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक मिनट, ATM। अभी नेटवर्किंग से इसको रिलेट करेंगे, पहले समझ ले मतलब ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग का मतलब क्या है। एक स्टूडेंट है जॉन, उसके अकाउंट में टोटल
10,000 rupees है, ठीक है। अब ये यूजर जॉन कुछ पैसे निकालने गया एटीएम से, एटीएम का पिन है 1234, ठीक है। यूजर ने, जॉन ने क्या किया, एटीएम में जाने के बाद कार्ड इंसर्ट। अब सबसे पहले जैसे ही आप कार्ड इंसर्ट करते हो, पेमेंट करने से पहले आपको हमेशा क्या बताना पड़ता है, पिन। पिन से एग्जैक्टली कर क्या रहा है एटीएम जो मशीन है, वेरीफाई कर रहा है कि भैया ये जो कार्ड है तुम्हारे पास वो सही पर्सन के पास है या नहीं, क्योंकि पिन तो आप कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते। अब मान लो यूजर ने पिन टाइप कर दिया 2345 गलती से, क्या जोन मनी विड्रॉ कर सकता है, नहीं। क्यों? बिकॉज द ऑथेंटिकेशन फेल्ड, पासवर्ड इज नॉट करेक्ट। अब मान लो अकाउंट में पासवर्ड सही टाइप कर दिया पिन एटीएम में, जैसे ही पिन टाइप किया उसके बाद यूजर लॉगिन कर सकता है और उसके बाद क्या कर सकता है, विड्रॉ। अब मान लो जॉन ने क्या किया, 11,000 विड्रॉ की, क्या जॉन 11,000 विड्रॉ कर सकता है, नहीं। वाई? वही इतना सफिशियंट बैलेंस ही नहीं है, ही इज नॉट ऑथराइज्ड, राइट। क्या मैसेज मिलेगा आपको, नो सफिशियंट बैलेंस, या फिर आप बोल सकते हो यूजर के पास इतना डेटा पैसा नहीं है जो कि वो निकाल सके, ऑथराइज नहीं है इतना पैसा निकालने के लिए। 9,000 निकाले तो निकल जाएंगे, और मशीन में पैसे ना हो तो, मतलब इतने पैसे निकाल सकता है अगर पैसे हो तो, ठीक है। अब पिन से हुआ आपका ऑथेंटिकेशन, अकाउंट में कितना बैलेंस है वो क्या बताता है, वो कितने पैसे विड्रॉ कर सकता है, या फिर ऑथराइजेशन। अगर आपने कोई भी कैश विड्रॉ किया उसके बाद आपके पास आता है एक मैसेज, मैसेज में लिखा होता है आपने किस टाइम पे किस एटीएम से कितने पैसे निकाले, ये क्या है आपका एक तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। रिकॉर्ड मेंटेन होने को क्या बोलते हैं हम, अकाउंटिंग, ठीक है, क्लियर। अब और कोई एग्जांपल डिस्कस करें यार, ठीक है, ठीक है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। अब कभी कभार आपने देखा होगा जैसे कंपनी में कहीं पे जाओ आप, कुछ रूम्स के आगे लिखा होता है ओनली ऑथराइज्ड पर्संस आर अलाउड टू एंटर, उसका मतलब क्या है, क्या बोले भाई हाँ ये तो क्लियर है, हर कोई नहीं जा सकता। जैसे कि एक एग्जांपल ले, नीचे एनबी की लैब में एक मैनेजमेंट एरिया है, एनबीटी और एनबी एम्प्लॉयज बैठते हैं लैब जहां पे आप पानी पीते हो, वहां पे क्या कोई भी स्टूडेंट एंटर कर सकता है, नहीं। क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज दे आर नॉट ऑथराइज्ड। वहां पे चले भी गए तो क्या करेंगे, पढ़ना है तो लैब में पढ़ेंगे वो, कुछ बोल रहे थे भाई यार ठीक है। अब अगर ये क्लियर है ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग, अब आप ट्रिपल ए किस किस पर्पस के लिए यूज करते हो रियल टाइम में, नेटवर्किंग वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो ट्रिपल ए का क्या क्या पर्पस है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये समझने के लिए पहले आप सभी ये बताओ, इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ इंटरनेट, अगर आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है,
अदर देन फोन, मान लो आपको अपना लैपटॉप कनेक्ट करना है इंटरनेट के साथ, आपको कोई भी वेबसाइट एक्सेस करनी है, तो क्या करते हो आप? इंटरनेट एक्सेस करने के लिए क्या करते हो आप? यू कनेक्ट पीसी विथ वाईफाई या फिर स्विच, राइट? जब भी आपको इंटरनेट एक्सेस करना हो, या तो आप वाईफाई से कनेक्ट करोगे या फिर स्विच से। वाईफाई और स्विच से कनेक्ट करने के बाद आपको एक आईपी मिलता है, उस आईपी के साथ आप क्या कर सकते हो? इंटरनेट को एक्सेस। अब ये बताओ, व्हाट इज इंटरनेट? ए नेटवर्क ऑफ पब्लिक आईपीज। एक नेटवर्क है ना, वो एक लेयर थ्री पे ए नेटवर्क ऑफ पब्लिक आईपीज जिसको कि आप एक्सेस करना चाहते हो। सो इनडायरेक्टली अगर हम ये बोले कि आप अपना पीसी कनेक्ट कर रहे हो वाईफाई या फिर स्विच से, क्या एक्सेस करने के लिए? एक पब्लिक नेटवर्क, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट। क्लियर? दूसरा पर्पस, इंटरनेट अगर आपको एक्सेस करना तो आप वाईफाई या स्विच से कनेक्ट करते हो, पब्लिक नेटवर्क एक्सेस करने के लिए। CCNP लैब देखिए सभी ने, रैक्स है, मान लेते हैं ये है 100.0.0.37, 36, 35, 34। सारे आईपीस कैसे हैं? प्राइवेट। आपको कोई भी सर्वर एक्सेस करना हो, ये रैक एक्सेस करना है आपको कोई भी, तो क्या करोगे? MB की बात कर रहे हैं अभी हम। If you want to connect with any of the NB rack, क्या करोगे आप इस केस में भी? आप क्या करोगे? Connect PC with Wi-Fi. अब इस टाइम आप Wi-Fi से कनेक्ट कर रहे हो, कैसा नेटवर्क एक्सेस करने के लिए? Connecting टू एक्सेस ए नेटवर्क। पहली बात तो आप इस बार भी नेटवर्क एक्सेस करना चाहते हो, बट इस बार नेटवर्क कैसा है? प्राइवेट, राइट? नो मैटर वेदर यू वॉन्ट टू एक्सेस इंटरनेट और एनी प्राइवेट नेटवर्क, आप किससे कनेक्ट करते हो? वाईफाई से या फिर स्विच से। इतना क्लियर? तो पहला पर्पस है आपका नेटवर्क एक्सेस। व्हेन एवर ए यूजर वांट्स टू कनेक्ट विद ए नेटवर्क, ठीक है? नेटवर्क एक्सेस का मतलब क्या है? आप क्या करना चाहते हो एक नेटवर्क को एक्सेस, इसके लिए आप क्या कर रहे हो? अपने डिवाइस को किसी स्विच या फिर वायरलेस के साथ कनेक्ट। इतना क्लियर? स्विच वन, R1, R2, ASA1।
1.1, 2.1, 3.1. This is a network. ये भी एक network है, ये भी एक क्या है? Network. अब ये पूरा network access करने के लिए आप क्या करते हो mainly? अपने device को connect किसके साथ? Switch के साथ या फिर wireless के साथ. अगर अभी आप यहाँ पे अपना PC connect करो, PC को connect करने के बाद अगर आपको ऐसा IP मिला जिससे कि आप पूरा network क्या कर सको? Access. तो वो क्या कहलाएगा आपका? नेटवर्क एक्सेस. कनेक्टिंग टू ए डिवाइस आफ्टर विच यू कैन एक्सेस मल्टीपल नेटवर्क. जहां पे भी आप किसकी बात कर रहे हैं? एक आईपी की, एक पर्टिकुलर आईपी या फिर एक पर्टिकुलर नेटवर्क. क्लियर? चाहे वो आपका इंटरनेट हो या फिर कोई भी प्राइवेट नेटवर्क. क्लियर? पहला पर्पस ये है. दूसरा पर्पस है मैनेजमेंट एक्सेस. इफ यू वांट टू कॉन्फ़िगर एन आईपी एड्रेस ऑन राउटर एंड ASA, हाउ यू विल कॉन्फ़िगर, और आप किस तरीके से अपना नेटवर्क अपने डिवाइस को कनेक्ट करोगे बताओ. अगर आपको किसी भी डिवाइस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है, आप डिवाइस को मैनेज करना चाहते हो इस नेटवर्क में, तो आप किस तरीके से करोगे? मैनेज करने के लिए आप क्या करोगे? मान लो आपको ये राउटर कॉन्फ़िगर करना है, तो आप इस पीसी से इस राउटर को क्या करोगे? टेलनेट या फिर SSH या फिर HTTPS, राइट? यही प्रोटोकॉल है ना आप जो डिवाइस को मैनेज करने के लिए यूज करते हो. राउटर भी हो सकता है मैनेजमेंट करने के लिए, स्विच को भी आप मैनेज कर सकते हो या फिर फायरवॉल को भी. किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस को अगर आप मैनेज करना चाहते हो तो आप क्या करते हो? यूज एनी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल टू कनेक्ट विद दी डिवाइस सच एज टेलनेट, SSH, HTTPS. क्लियर? अब मैनेजमेंट एक्सेस में क्या होता है? कनेक्टिंग टू ए डिवाइस फॉर इट्स मैनेजमेंट. आप एक पर्टिकुलर डिवाइस से कनेक्ट करते हो उस, और उस डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के बाद आप केवल उसी डिवाइस को क्या करते हो? मैनेज. ये कहलाएगा आपका मैनेजमेंट. क्लियर? अब AAA को जब भी आप इनेबल करते हो रियल टाइम में, या तो आप AAA को इनेबल करोगे नेटवर्क एक्सेस के लिए या फिर मैनेजमेंट एक्सेस. दो तरीके से आप अपने नेटवर्क को एक्सेस करते हो. या तो आप पूरे एक नेटवर्क को एक्सेस करना चाहते हो या फिर एक एक पर्टिकुलर डिवाइस को आप क्या करना चाहते हो? मैनेज. क्लियर? अब AAA क्या कहता है कि अगर कोई भी यूजर क्या करेगा नेटवर्क को एक्सेस, तो उसको क्या करो? ऑथेंटिकेट करो. उसको क्या करो? ऑथराइज करो. और उसको अकाउंटिंग, क्योंकि AAA का यही मतलब है, जब भी कोई यूजर नेटवर्क एक्सेस करे उसको क्या करो? ऑथेंटिकेट, ऑथराइज और अकाउंट. जब भी कोई यूजर किसी पर्टिकुलर डिवाइस को मैनेज करे तो भी क्या करो आप? ऑथेंटिकेट, ऑथराइज. क्लियर? ये समझ में आया आपको नेटवर्क एक्सेस और मैनेजमेंट एक्सेस क्या मतलब है? नाउ AAA इज यूज्ड फॉर टू पर्पस इन द नेटवर्क. AAA इज यूज्ड फॉर टू पर्पस इन द नेटवर्क. आप दो पर्पस के लिए यूज करते हो. पहला, डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको आप क्या बोलते थे अभी?
मैनेजमेंट एक्सेस, जब भी आप किसी पर्टिकुलर डिवाइस पे लॉगिन करते हो, और दूसरा है आपका नेटवर्क एक्सेस। क्लियर? डिवाइस एडमिन का मैंने अभी मतलब क्या बताया था आपको, कनेक्टिंग टू ए डिवाइस फॉर इट्स मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, टेलनेट ए राउटर टू कॉन्फ़िगर एनी पॉलिसी। अगर आपको कुछ भी कॉन्फ़िगर करना हो आपको डिवाइस पे, तो आप क्या करते हो डिवाइस को, टेलनेट। क्लियर? नेटवर्क एक्सेस का मतलब क्या है, कनेक्टिंग टू ए डिवाइस टू एक्सेस ए नेटवर्क। इट कैन बी प्राइवेट और पब्लिक। फॉर एग्जाम्पल, कनेक्टिंग टू ए स्विच और वायरलेस। ठीक है, अब अगर आपको इस पीसी से इस एएसए को मैनेज करना है, इफ यू वांट टू मैनेज दिस फायरवॉल फ्रॉम दिस पीसी, तो क्या करोगे आप, इस पीसी को कनेक्ट इस फायरवॉल से करोगे या फिर किसी स्विच से या फिर वायरलेस से, वायरलेस या फिर स्विच। सो यू आर कनेक्टिंग विद अ स्विच सो दैट आफ्टर कनेक्टिंग यू कैन एक्सेस मल्टीपल नेटवर्क। तो इस स्विच के लिए वो कैसे एक्सेस होगा, जो भी पीसी से आप एक्सेस करोगे, नेटवर्क एक्सेस। आप स्विच के साथ कनेक्ट किए, उसके बाद आप मल्टीपल नेटवर्क को क्या कर सकते हो, एक्सेस। इस पर्टिकुलर फायरवॉल के लिए जैसे ही आपने यहां से टेलनेट का पैकेट सेंड किया, इसके लिए कैसा पैकेट होगा, वो नेटवर्क एक्सेस के लिए। लेकिन जहां जब यहां पर वो पैकेट आएगा वो कैसा हो गया, मैनेजमेंट एक्सेस या फिर डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप ट्रिपल ए को या तो इसलिए यूज कर लो कि जब भी कोई यूजर स्विच पे कनेक्ट करे उसको ऑथेंटिकेट करो और ऑथराइज, या फिर जब भी कोई यूजर एक पर्टिकुलर डिवाइस पे टेलनेट करे या फिर एसएसएच करे तो उसको ऑथेंटिकेट करो और ऑथराइज। दीज आर दी टू प्राइमरी पर्पस यू विल ऑलवेज फाइंड इन रियल टाइम। क्लियर? रियल टाइम में आपको यही मिलेगा। अब यहां पे अभी हमने जो प्रैक्टिकल किया था लास्ट, टेलनेट एसएसएच या फिर कंसोल, वो किस पार्ट में आएगा, डिवाइस एडमिन या फिर नेटवर्क एक्सेस, डिवाइस एडमिन। जब भी कोई यूजर डिवाइस पे लॉगिन कर रहा है तब हमने क्या किया था, यूजर को ऑथेंटिकेट या फिर ऑथराइज। तो अभी हमें पढ़ना है ट्रिपल ए को किस पर्पज के लिए, डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन। Network access will be covered with identity service engine. एक पूरा CCNP का मॉड्यूल है, ठीक है? So right now we are going to discuss AAA for device administration purpose.
ये सिनेरियो है कि ये क्या है आपका एक नेटवर्क, मैं इस नेटवर्क को मैनेज करना चाहता हूं, तो इसलिए हमने यहां पे क्या कर रखा है अपना पीसी कनेक्ट। पीसी पे क्या गेटवे कॉन्फ़िगर कर रखा है, राउटर वन का आईपी। अब जैसे ही मैं इस राउटर वन से कनेक्ट करता हूं, मतलब पीसी से आप गेटवे कॉन्फ़िगर करने के बाद आप यहां से एसआईपी को भी पिंग कर सकते हो और एसआईपी को, ठीक है। तो नेटवर्क एक्सेस का मतलब है आप एक नेटवर्किंग डिवाइस से कनेक्ट करने के बाद कौन कौन से नेटवर्क या फिर कौन कौन सी आईपी को क्या कर सकते हो, एक्सेस। अगर आप चाहते हो कि जब भी कोई डिवाइस कनेक्ट हो वो क्या हो, ऑथेंटिकेट, तो आप क्या यूज कर सकते हो, ट्रिपल। डिवाइस एडमिन का मतलब क्या है कि आपने एक पर्टिकुलर डिवाइस पे क्या किया, टेलनेट या फिर एसएसएच। अब देखो एक सिंपल से एग्जांपल में समझते हैं इसको। हाँ भाई राहुल, अब एनबी में इस फ्लोर पे मल्टीपल क्लासेस हैं, ठीक है। मान लेते हैं C1, C3, C4, C5, C8, C10 और C12। अब यहां पे कुछ कॉलेजेस आते हैं किसके लिए, इंडस्ट्रियल विजिट के लिए, ठीक है। अब कोई भी स्टूडेंट आया आईवी के लिए, वो फ्लोर पे एंटर करने के बाद क्या कहीं पे भी घूम सकता है क्लास के बाहर, क्लास के बाहर, किसी भी क्लास के बाहर जा सकता है वो। तो ये क्या हुआ आपका एक तरीके का नेटवर्क एक्सेस, फ्लोर पे एंटर करने के बाद वो यूजर कहां कहां पे जा सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, क्या आईवी वाला बंदा, मान लो आईवी की क्लास चल रही है C10 में, क्या वो स्टूडेंट C3 में जाके बैठ सकता है, नहीं। मान लो यहां पे C5 में सी से सिक्योरिटी क्लास चल रही है, यहां पे आके बैठ सकता है, नहीं। ये क्या है आपका डिवाइस एडमिन, फ्लोर पे एंटर करने के बाद वो कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन कौन कौन से यूजर पे वो एक्सेस कर सकता है वो क्या है, कौन कौन सी क्लास में एंटर कर सकता है वो है आपका डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये अभी क्लियर नहीं हुआ तो कल क्लियर हो गए अच्छे से। ओके, नाउ वी वर डिस्कसिंग AAA फॉर डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन। अब जब भी आप AAA को यूज करते हो, AAA को आप दो तरीके से यूज कर सकते हो, या तो यूजिंग लोकल डेटाबेस या फिर रिमोट AAA सर्व, ठीक है। लोकल डेटाबेस का मतलब क्या है, क्रिएट यूजर नेम एंड प्रिविलेज लेवल ऑन दी डिवाइस इटसेल्फ। जो अभी हमने प्रैक्टिकल किया था वो क्या था आपका AAA विद लोकल डेटाबेस। हम सभी ने अभी कौन सी कमांड चलाई थी, AAA की कुछ कमांड चलाई थी ऑथेंटिकेशन के लिए भी और ऑथराइजेशन के लिए भी। तो जब भी आप AAA को यूज करोगे, या तो आप लोकल डेटाबेस यूज कर सकते हो या फिर रिमोट AAA सर्वर। यूजर नेम एंड प्रिविलेज लेवल इज कॉन्फ़िगर्ड ऑन दी AAA सर्वर, ठीक है।
देखो अभी तक हमने जो भी प्रैक्टिकल किया था उसमें हमारे पास केवल दो डिवाइसेस हैं, एक तो ASA और एक PC. PC से हमने ASA को टेलनेट किया, तो ASA यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए क्या कर रहा है, यूजर नेम पासवर्ड चेक कहां पे, अपने खुद के लोकल डेटाबेस में. अगर ASA को यूजर को क्या देना है, प्रिविलेज लेवल, तो ASA क्या चेक कर रहा है, यूजर नेम के साथ कौन सा प्रिविलेज लेवल आपने बाइंड कर रखा है. तो अभी जैसे ही कोई यूजर लॉगिन कर रहा है, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के लिए ASA किसी डिवाइस से रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, अपना लोकल डेटाबेस चेक कर रहा है और यूजर को क्या कर रहा है, ऑथेंटिकेट. ये प्रैक्टिकल जो अभी हमने किया था. नाउ व्हेन एवर वी आर यूजिंग, नाउ वी आर गोइंग टू डू प्रैक्टिकल विद रिमोट AAA सर्वर. नाउ व्हेन एवर वी आर यूजिंग रिमोट AAA सर्वर, देर आर टोटल थ्री डिवाइसेस. पहला तो पीसी जहां से हमें कनेक्शन इनिशिएट करना है, दूसरा आपका फायरवॉल और तीसरा AAA सर्वर. ये है आपका ASA. अब जब भी आप रिमोट AAA सर्वर यूज करते हो, तो रिमोट AAA सर्वर के केस में यूजर नेम कहां बनाते हो आप, AAA सर्वर पे. प्रिविलेज लेवल भी कहां कॉन्फ़िगर करते हो आप, AAA सर्वर पे, जो भी प्रिविलेज लेवल आपको यूजर के साथ बाइंड करना है. इस केस में होगा क्या, जब भी पीसी से कोई रिक्वेस्ट आएगी ASA के पास, ASA यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए रिक्वेस्ट कहां पे सेंड करेगा, AAA सर्वर के पास. अगर ASA यूजर को ऑथराइज करना चाहता है तो भी रिक्वेस्ट कहां पे सेंड करेगा, AAA सर्वर के पास. तो जब भी आप AAA सर्वर यूज करते हो, इफ यू आर यूजिंग AAA सर्वर, यू डू नॉट क्रिएट यूजर नेम और प्रिविलेज लेवल लोकली ऑन द डिवाइस. आप डिवाइस पे क्या नहीं करते, कोई भी यूजर नेम क्रिएट नहीं करते. टू ऑथेंटिकेट द यूजर, ASA विल सेंड रिक्वेस्ट टू AAA सर्वर. जब भी आप लॉगिन करोगे ASA पे, तो ASA क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट को सेंड करेगा कहां पे, AAA सर्वर के पास. ठीक है, अब मान लो आपने इस पीसी से ASA को क्या किया, टेलनेट. टेलनेट क्या है, एक प्रोटोकॉल है जो कि क्या यूज करता है, TCP. कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज होता है आपका, TCP पोर्ट नंबर 23. अब मान लो ASA यहां से कोई रिक्वेस्ट सेंड करेगा AAA सर्वर के पास, तो यहां पे आपको एक प्रोटोकॉल चाहिए जो कि कम्युनिकेशन करवाए, और उसके लिए भी क्या होना चाहिए, एक ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, राइट. नाउ द प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन वो है आपका TECX. TECX एक प्रोटोकॉल है जो कि यूज करता है क्या, TCP पोर्ट नंबर 49. प्रोटोकॉल क्या होगा आपका, TECX और ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल TCP. दो प्रोटोकॉल हो सकते हैं आपके, TECX या फिर रेडियस. अगर हम बात करते हैं डिवाइस एडमिन के, तो कौन सा प्रोटोकॉल होता है, TECX. तो पहले प्रैक्टिकल करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस, क्या है ये TECX. ओके, AAA का मेन पर्पस क्या है, जब भी कोई यूजर कनेक्ट करे उसको ऑथेंटिकेट करना और ऑथराइज करना.
अब रियल टाइम में आप ट्रिपल ए को किस किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हो? डिवाइस एडमिन, अगर आपने किसी डिवाइस को टेलनेट किया, एसएसएस किया या फिर कंसोल एक्सेस, उस पर्टिकुलर डिवाइस को मैनेज करने के लिए। ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हो आप और ऑथराइजेशन भी। नेटवर्क एक्सेस को अब इग्नोर करो, ये बाद में पढ़ेंगे। अब जब भी आप ट्रिपल ए यूज करोगे डिवाइस एडमिन पर्पस के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, कहां गया यार वो लिखा था जो ट्रिपल ए जब भी आप यूज करोगे तो आप लोकल डेटाबेस यूज कर सकते हो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए या फिर रिमोट डेटाबेस। ठीक है, अब अगर हमने ट्रिपल ए कॉन्फ़िगर किया डिवाइस पे विद लोकल डेटाबेस, तो ऑथेंटिकेशन के लिए क्या यूज करते हैं हम? यूजर नेम और यूजर नेम का पासवर्ड, राइट? ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन, टेलनेट, कंसोल, लोकल। लोकल का मतलब क्या है, हम डिवाइस को बोल रहे हैं कि भैया तुम यूजर नेम पासवर्ड जो कि कॉन्फ़िगर्ड है वो क्या करो, चेक। अगर लोकल डेटाबेस के साथ हमें क्या करना है, ऑथराइजेशन, तो क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं हम? प्रिविलेज लेवल या फिर कमांड ऑथराइजेशन, राइट? ये है आपका एग्जेक और ये है आपका कमांड। ट्रिपल ए ऑथराइजेशन एग्जेक, ट्रिपल ए ऑथराइजेशन कमांड। ऑथराइजेशन में आपके पास हमेशा दो ही चीजें आएंगी, व्हेनेवर यू आर यूजिंग ट्रिपल ए फॉर डिवाइस एडमिन यू हैव टू थिंग्स, प्रिविलेज लेवल एंड कमांड ऑथराइजेशन। अब अगर आपने क्या करना है, अकाउंटिंग कौन सा डेटाबेस यूज करके, लोकल डेटाबेस यूज करके, इट इज नॉट सपोर्ट। ट्रिपल ए को यूज करके आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते, यू कैन यूज एनी अदर प्रोटोकॉल फॉर अकाउंटिंग, फॉर एग्जाम्पल SNMP, Syslog, और क्या होता है, स्पैन, यार स्पैन में ही आ गया, नेटफ्लो। ठीक है, ट्रिपल ए के थ्रू आप अकाउंटिंग नहीं करा सकते। अगर कैसा डेटाबेस है, लोकल डेटाबेस। देखो अगर मैंने लोकल डेटाबेस यूज किया और आपने कमांड चलाई ASA पे ट्रिपल ए अकाउंटिंग, मान लो मेरे को अकाउंटिंग करनी है कैसी, किसकी, कौन से सेशन की, टेलनेट क्वेश्चन मार्क, कंसोल वही कीवर्ड। कितने ऑप्शन है यहां पे, केवल एक ही ऑप्शन है, क्या बता सकते हैं हम, रिमोट ट्रिपल ए सर्वर, लोकल कीवर्ड इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, अकाउंटिंग के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, कोई अदर प्रोटोकॉल। क्लियर? सो वी हैव कवर्ड दिस पार्ट with authentication and authorization, accounting is not possible. Now we are going to discuss AAA with remote. अब पहली बात, जब भी आप AAA with remote server use करोगे तो आपने username और password कहाँ पे बनाए होंगे, AAA server पे। जो भी आपका device होता है वहां पे आप कोई भी username password नहीं बनाते। जब भी कोई user telnet करता है तो ये वाला डिवाइस क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा यूजर नेम और पासवर्ड, पूछेगा कहां पे, ट्रिपल ए सर्वर। ये डिवाइस लोकली कभी भी क्या नहीं करेगा, डिसाइड कि ऑथेंटिकेट करना है या नहीं। इतना क्लियर? अब जब भी आप ASA से कोई रिक्वेस्ट सेंड करोगे किसी भी दूसरे डिवाइस के पास, तो क्या होगा, कोई ना कोई एक प्रोटोकॉल यूज।
अब प्रोटोकॉल कौन कौन सा हो सकता है आपके पास, टेकएक्स या फिर रेडियस। टेकएक्स की फुल फॉर्म, तिवारी जी, टर्मिनल एक्सेस कंट्रोलर एक्सेस कंट्रोल सर्वर। पहली बात तो ये कि जब भी आपको ASA से AAA सर्वर के पास कोई रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो दो प्रोटोकॉल क्यों, वाई नॉट ओनली वन। दो प्रोटोकॉल की बजाय एक प्रोटोकॉल क्यों नहीं है? क्योंकि AAA को आप दो पर्पस के लिए यूज कर सकते हो नेटवर्क में, तो दोनों पर्पस के लिए क्या है, एक प्रोटोकॉल स्पेसिफाइड। जब भी आप डिवाइस एडमिन करना चाहते हो तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हो आप, टेकएक्स। और अगर आपको AAA यूज करना है नेटवर्क एक्सेस सर्विसेज के लिए तो रेडियस। दो पर्पस है इसलिए आपके पास कितने प्रोटोकॉल है, दो। कुछ पूछना भाई आपको? ठीक है, अब अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, टेकएक्स, रेडियस विल बी डिस्कस्ड लेटर। नाउ टेकएक्स इज ए प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड फॉर डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस। टेकएक्स कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, TCP पोर्ट नंबर 49। ये 49 कौन सा पोर्ट होगा, डेस्टिनेशन या फिर सोर्स, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। अब टेकएक्स के केस में क्या होता है, इट सेपरेट्स ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, या फिर आप बोल सकते हो फॉर ऑथेंटिकेशन ए सेपरेट पैकेट, फॉर ऑथराइजेशन ए सेपरेट पैकेट। अब इसका मतलब क्या है, इट सेपरेट्स ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग पैकेट। मान लो जब भी ये यूजर कनेक्ट करेगा, अगर आपने ASA को कॉन्फ़िगर कर रखा है ऑथेंटिकेशन सर्विसेज के लिए भी और ऑथराइजेशन सर्विसेज के लिए भी, मतलब आपने AAA ऑथेंटिकेशन टेलनेट कंसोल लोकल कमांड भी चला रखी है और AAA ऑथराइजेशन एग्जेक कंसोल भी। ठीक है, एक कमांड AAA सर्वर से क्या पूछेगा, यूजर नेम पासवर्ड, और दूसरी कमांड AAA सर्वर से क्या पूछेगी, प्रिविलेज लेवल। अब जब भी ये ASA रिक्वेस्ट सेंड करेगा, रिक्वेस्ट में या तो ये ऑथेंटिकेशन करेगा या फिर ऑथराइजेशन, अगर दोनों चीजें करनी है तो ये डिवाइस ऑथेंटिकेशन के लिए अलग पैकेट सेंड करेगा, ऑथेंटिकेट हो जाने के बाद क्या सेंड करेगा, ऑथराइजेशन। ऐसा नहीं होगा, मान लो आपके पास यूजर नेम है प्रवीण, तो ऐसे नहीं होगा इसने ऑथेंटिकेशन भी सेंड कर दिया, बताओ भैया यूजर नेम प्रवीण है या नहीं, और साथ के साथ ये बता दो कि यूजर का क्या प्रिविलेज लेवल है। पहले यूजर ऑथेंटिकेट होगा, ऑथेंटिकेट होने के बाद प्रिविलेज लेवल पूछने के लिए ये ASA क्या करेगा, अलग से एक पैकेट बनाएगा, उसको सेंड करेगा कहां पे, AAA सर्वर के पास। विद इन द सेम पैकेट ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन कभी भी क्या नहीं होगा, कंबाइन। एंड सेम फॉर अकाउंटिंग, अगर अकाउंटिंग का कोई पैकेट सेंड करना है तो अलग से एक पैकेट जाएगा। इतना क्लियर?
हाँ जी अगले पॉइंट में आ जाएगा वो। मान लेते हैं एक पैकेट आपका ऑथेंटिकेशन के लिए, एक और एक अकाउंटिंग के लिए। ये तीनों पैकेट होंगे कौन से प्रोटोकॉल के? टेकएक्स प्रोटोकॉल के। तीनों पैकेट को सेंड करने के लिए टेकएक्स कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेगा? टीसीपी पोर्ट नंबर 49। ऐसा नहीं है कि तीनों सर्विसेज के लिए अलग पोर्ट नंबर यूज होगा, सेम पोर्ट नंबर इज यूज फॉर ऑल दी सर्विसेज। इतना क्लियर? हाँ जी। अगर एट ए टाइम दो यूजर ने टेलनेट किया डिवाइस को, तो ये डिवाइस दो ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट सेंड करेगा, पोर्ट नंबर सेम होगा तो क्या हुआ? डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर सेम होगा ना, सोर्स पोर्ट नंबर थोड़ी सेम होगा। अब भाई जब भी आपके दो टीसीपी कनेक्शन बनेंगे, टीसीपी कनेक्शन में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपका डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर सेम हो, लेकिन सोर्स पोर्ट नंबर तो हमेशा क्या होगा? डिफरेंट, एक अलग से सेशन बनेगा ना, तो पोर्ट नंबर का ऐसी कोई बात ही नहीं आएगी। ठीक है, नो मैटर वेदर यू आर सेंडिंग ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट, ऑथोराइजेशन रिक्वेस्ट और अकाउंटिंग, सेम प्रोटोकॉल यूज होगा, टेकएक्स और पोर्ट नंबर 49। बस ये कभी नहीं होगा कि ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन के लिए एक ही पैकेट सेंड किया डिवाइस ने। टेकएक्स का ये फीचर है या फिर ये फंक्शनैलिटी है टेकएक्स की, ऑथेंटिकेशन अलग, ऑथोराइजेशन अलग है और अकाउंटिंग अलग। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, अलग अलग पैकेट क्यों? बिकॉज वी आर यूजिंग टेकएक्स प्रोटोकॉल फॉर डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन, और डिवाइस एडमिन में क्या होता है, ए यूजर कैन बी ऑथराइज्ड मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग ए सिंगल ऑथेंटिकेटेड सेशन। यूजर एक बार ऑथेंटिकेट होने के बाद बार बार क्या हो सकता है? ऑथराइज। अब ऐसा कब होगा? ASA और ये है आपका ट्रिपल ए सर्वर, यहां पे पीसी कनेक्टेड है आपका यूजर। ठीक है, अब आपने ASA को कॉन्फ़िगर किया ऑथेंटिकेशन के लिए और साथ के साथ ऑथराइजेशन के लिए, लेकिन इस बार ऑथराइजेशन कॉन्फ़िगर किया आपने कैसा? कमांड्स वाला, कि जब भी कोई यूजर कमांड एंटर करे वो ऑथराइज हो। कहां से? ट्रिपल ए सर्वर से। तब जो यहां पे यूजर कनेक्टेड है, मान लेते यूजर नेम है प्रवीण, यूजर ने कनेक्ट किया है ट्रिपल ए ASA के साथ, ASA ने क्या किया, रिक्वेस्ट सेंड की ट्रिपल ए सर्वर के पास। कैसी रिक्वेस्ट? ऑथेंटिकेशन। ट्रिपल ए सर्वर ने बोला कि भैया ऑथेंटिकेशन क्या हो गई, पास या फिर सक्सेसफुल। अब यहां पे ये यूजर क्या कर गया, लॉगिन कर गया डिवाइस पे। अब लॉगिन करने के बाद ये यूजर क्या करेगा, कोई कमांड एंटर। कंसोल मिलने के बाद आप क्या करते हो, कोई भी कमांड एंटर करते हो। अब जैसे ही आपने कोई कमांड एंटर की, आपने डिवाइस को कॉन्फ़िगर किया हुआ है, क्या करो कमांड को, कहां से ऑथराइज करो? ट्रिपल ए सर्वर से। अगर आपने शो की कोई कमांड चलाई, शो राउट, जैसे ही आपने शो राउट कमांड चलाई, ये ASA ट्रिपल ए सर्वर से पूछेगा कि भैया ये जो पर्टिकुलर यूजर है प्रवीण,
क्या प्रवीण यूजर नेम ये कमांड चला सकता है या नहीं। अब शो राउट के बाद आपने एक और कमांड चलाई शो रन। जितनी बार आप कमांड चलाओगे उतनी बार क्या होगा, ASA ट्रिपल ए सर्वर के पास रिक्वेस्ट सेंड करेगा। और ट्रिपल ए सर्वर के पास रिक्वेस्ट क्यों सेंड करेगा, क्योंकि आपने ASA को कॉन्फ़िगर किया है कि हर कमांड को क्या करना है, ऑथराइज। अगर आप ये कॉन्फ़िगर ना करो तो ASA कोई कमांड को ऑथराइज नहीं करेगा। प्रिविलेज लेवल के केस में क्या होता था, हर कमांड चेक करता था राउटर, सॉरी फायरवॉल। कि कब से कब ऑथेंटिकेट हो कर सकते हो। अब देखो यूजर एक बार ऑथेंटिकेट होने के बाद, पास होने के बाद जितनी बार कमांड एंटर करेगा उतनी बार क्या हो रहा है, ऑथराइज। तो ड्यूरिंग ए सिंगल सेशन यूजर कैन बी ऑथराइज मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, हाँ जी पूछ रहे हो कुछ। ट्रिपल ए सर्वर पे आप यूजर नेम बनाओगे, प्रिविलेज लेवल बनाओगे और साथ के साथ क्या बताओगे, कमांड्स होंगी, सारी चीजें कवर। ट्रिपल ए को आप लोकल में रख लो या फिर किसी VPN नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर लो, मतलब लोकल ही होगा मेनली हमेशा। अगला पॉइंट है आप कोई सर्वर बना लो, आपका जो क्या बोलते हैं उसको, विंडोज सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट टेकएक्स, कम्युनिकेशन इज प्रोटेक्टेड, ईच टेकएक्स पैकेट इज प्रोटेक्टेड और इनक्रिप्टेड विद शेयर्ड सीक्रेट। जब भी आप यहां से ASA से ट्रिपल ए सर्वर के पास कोई भी पैकेट सेंड करोगे, अगर कोई अटैकर बीच में पैकेट को कैप्चर करेगा, द अटैकर विल नॉट बी एबल टू रीड कि क्या कंटेंट है, क्योंकि पैकेट हमेशा क्या होगा, इनक्रिप्टेड। और सिक्योरिटी किस पे डिपेंड करेगी, शेयर्ड सीक्रेट। एक मिनट यार, इफ शेयर्ड सीक्रेट इज वीक, सिक्योरिटी इज वीक, इट कैन बी इजिली क्रैक्ड। हाँ जी ठीक है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स किसके, टेकएक्स प्रोटोकॉल के। पहला तो ये यूज करता है कौन सा पोर्ट नंबर, TCP पोर्ट नंबर 49। दूसरा, इट इज यूज्ड फॉर डिवाइस एडमिन, सेपरेट पैकेट होगा, सारे पैकेट क्या होंगे, इनक्रिप्टेड। सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन सिक्योरिटी किस पे डिसाइड डिपेंडेंट है, शेयर्ड सीक्रेट पे। अगर आपने सिस्को 123 यूज किया तो आप इजीली क्या कर सकते हो, पैकेट को डिक्रिप्ट। ठीक है, बस आपको ये शेयर्ड सीक्रेट पता है तो आप पैकेट को डिक्रिप्ट कर सकते हो, दिखा देंगे। ये पॉइंट क्लियर है। डन। अब प्रैक्टिकल तो नहीं हो पाएगा, 4:30 बज गए। ACS आप सभी ने इंस्टॉल कर लिया था, सी इफ एनीवन हैविंग 8GB रैम टोटल, दैट स्टूडेंट शुड रन ACS विद 2GB रैम, 4GB रैम में ना चलाएं आप, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल करना है ASA के साथ, तो आपको ASA भी ऑन करना है और क्या ऑन करना है साथ के साथ, ACS। ACS आपका 2GB रैम लेगा, ASA भी आपका कम से कम कितना GB रैम लेगा, 2GB, और आपका सिस्टम भी कितना लेता है, 2GB। अब वेब ब्राउजर ऑन करोगे थोड़ी रैम वो भी लेगा, तो इसलिए आप ACS को रन करें कितनी GB के साथ,
2 GB 12 GB है तो भी इसी तरीके से आप रन करें। जब जो मैंने आपको वीडियो दी थी उसमें स्नैपशॉट बनाने का बोल रखा है, स्नैपशॉट बनाने से पहले आप क्या कर लें, रैम को कितना कर लें, 2 GB। अगर आपने स्नैपशॉट बना लिया 4 GB के साथ तो दोबारा इंस्टॉल कर लें, 1 घंटा लेगा मैक्सिमम, क्योंकि बार बार आपको स्नैपशॉट ही रन करना पड़ेगा, पावर ऑन पावर ऑफ में दिक्कत आएगी। तो अगर स्नैपशॉट ले लिया 4 GB के साथ, उसको डिलीट कर देना मशीन को, दोबारा से क्या कर लेना, एक मशीन को इंस्टॉल और 2 GB रैम के साथ स्नैपशॉट। हाँ जी, गॉट इट। कोई 4 GB